जी हाँ श्रोताओ, आपने ट्यून किया है एफएम बालतल, आकाशवाणी श्रीनगर का एफएम बालतल है ये 103.7 MHz पर। इसके अलावा आप हमें सुन पा रहे हैं एफएम पहलगाम पर 100.1 MHz पर, डीटीएच पर हम हमारा सर्विस पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप हमें दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। ये विशेष प्रसारण है जो हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आपके लिए सुबह से लेकर ठीक रात 10 बजे तक ये प्रसारण चलता है, जिसमें हम अपडेट्स और बाकी सारी शिव भक्ति चलाते हैं। मकसद बस इतना सा होता है कि आप अपडेटेड रहें इस श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 के बारे में, और हम आपको अपडेट करते रहते हैं कि किस तरह का मौसम है, किस तरह से आपने आना है, किस तरह की तैयारी करनी है, इस हवाले से बात करते हैं। लेकिन इस वक्त एक खास मेहमान से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, एक खास मेहमान से आपको मिलवाने जा रहे हैं। इनका ताल्लुक जो है वो सस्टेनेबल, जी हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ जुड़ी हुई है। मैं बात कर रहा हूं पद्मश्री अवार्डी जनक पाल्टा मैग्लिगन। ये सोशल वर्कर हैं और फाउंडर डायरेक्टर हैं जिमी मैग्लिगन सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंदौर बेस्ड एक एनजीओ है। इसके अलावा ये फाउंडर हैं, फॉर्मर फाउंडर हैं, डायरेक्टर ऑफ बर्ली डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल वुमेन, और ये मेंटोर है स्वाहा की। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रसारण में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ सुनने वालों को मैं बता दूं कि जो हमारी पद्मश्री जनक पाल्टा मैग्लिगन हैं, इन्हें हम सब लोग दीदी के नाम से जानते हैं, तो इसीलिए मैं इनसे दीदी के नाम से ही मुखातिब हो रहा हूँ, इनसे मैं बात कर रहा हूँ। दीदी आपसे जानना चाहेंगे, आप अपने बारे में कुछ बताएं, कैसे आप, कहाँ से शुरुआत की जिंदगी की और पद्मश्री तक आप पहुंची। इतना बड़ा आपके पास अवार्ड है, लाइफ में इतना कुछ हासिल कर लिया आपने, लेकिन शुरुआत कैसे हुई, कब लगा कि ये कुछ करना है? शुक्रिया आपका बहुत बहुत। मेरा नाम जनक पल्टा मगिलिगन। मैं जालंधर में पैदा हुई 16 फरवरी 1948 को। मेरे पिताजी गुरु नानक देव जी की बहन बीबी नानकी जी के वंशज से हैं, तो पल्टा सरनेम वहाँ से आ रहा है। जी और फिर बाद में उम्र आने पर शादी की तो वो मगिलिगन, एक आयरिश, नॉर्दर्न आयरिश ब्रिटिश सिटीजन की मैं बीवी हूँ, जी जो मेरे जीवन साथी और जो मेरे साथ ही रहकर भारत में उन्होंने सेवाएं दी। तो मैं चंडीगढ़ में बड़ी हुई। जी चंडीगढ़ में मैंने 1964 की बात है, मैंने 10वीं पास की थी। पंडित नेहरू की डेथ हुई थी, थोड़े दिन बाद अचानक एक दिन मैं बेहोश हो गई। तो मुझे मेरे घर के लोग फटाफट पीजीआई, बहुत बड़ा मॉडर्न हॉस्पिटल था, जी वहाँ ले गए और उन्होंने कहा कि ये तो, इसको तो ओपन हार्ट सर्जरी चाहिए और ये तो बहुत लेट है, 6 महीने से ज़्यादा लाइफ नहीं है इसकी। तो उन्होंने भर्ती किया, जी वो ट्रीटमेंट करने लगे, कुछ कुछ करते रहे, जी करते करते लगभग 9 महीने मैं अस्पताल में वहाँ भर्ती है जी रखा मेरे को उन्होंने। तो 9 महीने में रोज पूछती थी कि मेरा वो सर्जरी करने वाले हैं, कब करेंगे डॉक्टर साहब आप, तो कुछ जवाब नहीं देते थे। वो आपस में बात करके कुछ लिख के पढ़ के चले जाते थे। तो 9 महीने के बाद हमारे चंडीगढ़, मेरे माँ बाप के घर के पास एक पड़ोसी थे बुजुर्ग, जी जो मेरे दादाजी जैसे मुझे प्यार करते थे, जी और वो उनकी सगी भांजी सुशीला नैयर उस समय यूनियन हेल्थ मिनिस्टर दिल्ली में थी, उनके पास गए। सुशीला नैयर गांधी जी की और विनोबा जी की उस टाइम डॉक्टर भी होती थी पहले, जी तो बहुत डिवोटेड थी एज ए हेल्थ मिनिस्टर भी, और उन्होंने इंक्वायरी कराई कि क्यों नहीं पीजीआई में 9 महीने से लड़की को क्यों रखा है, क्या कारण। तो पता चला कि 14 घंटे की सर्जरी थी जी और 14 घंटे की सर्जरी के लिए किसी को एनेस्थीजिया देना नहीं आता था। तो उन्होंने इंक्वायरी के रिस्पांस में कनाडा से डॉक्टर भट्टाचार्य एनेस्थीजिस्ट, जी वर्ल्ड के बेस्ट एनेस्थीजिस्ट जी बुलाए, उन्होंने मुझे एनेस्थीजिया दिया। जी और जितने एनेस्थीजिस्ट थे उस टाइम के पीजीआई में जी उनको ऑन द जॉब ट्रेन किया। तो मुझे याद नहीं कितने घंटे के बाद अगले दिन आपको मेरे होश हाथ आया? पे, नहीं मेरे होश
डॉक्टर ने मेरी बाजू पे हाथ ऐसा लगा के बोला, जनक आंखें खोलो, देखो यू हैव मेड द हिस्ट्री, तेरी सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है, इंडिया की पहली सर्जरी हुई है, आंखें खोलो। क्योंकि मैं रोज पूछती थी मेरी सर्जरी कब होगी। तो आंखें खोलने से पहले मैंने ईश्वर से कहा, आपने मुझे नई जिंदगी दी है, ये जिंदगी मैं आपको थैंक यू करने में लगाऊंगी। अब एक 16 साल की उम्र में एक लड़की अस्पताल में जिंदगी को समझते हुए ये कह दिया, और मन में उसके बाद 3 महीने और रही मैं अस्पताल में, पूरी ठीक होके मैं घर आ गई। उसके बाद मैं कॉलेज वगैरह पढ़ने नहीं गई, पर मैं शुक्रिया के चक्कर में पड़ गई कि शुक्रिया कैसे कर रहे हैं। तो कोई ब्लाइंड आदमी मिल गया, उनको रीडिंग और राइटर के लिए हेल्प चाहिए उनकी। सबसे पहली मेरी ड्यूटी थी कि पीजीआई के ओपीडी में जाके कार्डियोलॉजी के बैठना होता था रोज, वो जो मरीज आते थे उनको दिखाने के लिए, क्योंकि 1964 में कोई सोशल मीडिया और इंटरनेट नहीं था बताने के लिए। तो बैठती थी और लोग आके दिखाते थे डॉक्टर की, देखो ये सक्सेसफुल सर्जरी है। तो मुझे देखकर मैं उनका एक शो एग्जांपल थी, केस सक्सेसफुल केस सर्जरी का। तो कई महीने तब तक मेरा ये सेवा रही, रोज चंडीगढ़ लोकल बस में बैठ के जाना, पीजे उतरना और ओपीडी में बैठना और लोगों को तसल्ली देना, और मैं घर आ जाती थी। ये तब तक चलता रहा। तब तक एक और लगभग उतनी उम्र का लड़का हरमनजीत सिंह, उसका सर्जरी हो गया। तो फिर ये हो गया कि हाँ यहाँ सर्जरी सक्सेसफुल होती है। तो उसी के बाद मैंने बस में बैठे बैठे कोई ब्लाइंड लोग मिल गए, फिर कहीं ब्लाइंड एसोसिएशन के साथ जुड़ गई, फिर कहीं गरीब बच्चों को पढ़ाना है। तो मैं कॉलेज पढ़ने नहीं गई, मैं प्राइवेटली पढ़ती थी, लेकिन मुझे ये लग गया जो मेरे रिश्तेदार कोई बीमार थे, चंडीगढ़ ही सबसे बड़ा हॉस्पिटल था पंजाब से, और वो बड़ा मॉडर्न वेस्टर्न तरीके से अंग्रेजी में शब्द लिखा था। तो कोई आदमी अस्पताल में जाके खो जाता था, तो मैं उनको ये ले जाती थी, मैं उनको अस्पताल दिखाती। अब अस्पताल मेरा घर था, एक साल रहने के घर, तो मेरी वो सेवा चलती रही तब तक कि कोई बीमार है उसको दिखाना। लेकिन ईश्वर कहाँ है और कौन से मार्ग से मुझे उसका थैंक यू करना, उस बात की मेरी जर्नी 16 साल और लगे मुझे। लेकिन वो 16 साल में मैंने बहुत आजमाया, हरिद्वार जाना, सारे धर्मों के चारों धाम किए मैंने। वैष्णो देवी आई, उस टाइम शायद 17 मील की चढ़ाई थी, तो सब कुछ ठीक था। लेकिन मुझे 2-3 बातें क्लियर थी कि मुझे कोई मठ में मठाधीश के अंडर साध्वी बन के लोग मेरे पांव छुए ऐसा वाला काम नहीं करना। मुझे पॉलिटिक्स में नहीं जाना, मुझे देश में अपने देश के लिए कुछ करना है, जो भी कोई वो करवाए मेरे से काम, पर कोई प्लेटफॉर्म कोई कैसे होगा। तो ये मैं पार्ट टाइम थैंक यू करती रही ईश्वर का जी। जब तक 16 साल लगे, पहले थे 16वां साल अभी, फिर तो मुझे अल्टीमेटली बहाई फेथ मैंने सिलेक्ट किया अपनी लाइफ का रास्ता जीने के लिए। बहाई धर्म जो बहाउला उसके फाउंडर हैं, अवतार मानते हैं हम, दिल्ली में लोटस टेंपल के नाम से ज़्यादा लोग जानते हैं। सब धर्मों को असमान नहीं, केवल हम सब धर्मों को मानते हैं। बहाउला ने कहा जो मुझे स्वीकार करेगा उसको सबसे पहले वाले सबको स्वीकार करना होगा, और मानवीय है। और मेरे को लगा कि हाँ पंडित पुरोहित प्रीस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं बताता, आपको केवल वो लाइफ जीना है, कुछ भी रिचुअल्स नहीं है, कुछ नहीं। तो मैं बहुत खुश हो गई, मुझे बहुत सारी चीज़ों से मुक्ति मिल गई, क्योंकि मैं क्षत्रिय परिवार में पैदा हुई थी, मैंने जात पात देखी थी, मैंने विधवा के खिलाफ देखा था जीवन कैसा है, मैंने लड़की लड़के का वो जो भेदभाव और लड़की सारी उम्र लड़के वाले ही डिसाइड करते हैं लड़की वाले क्या देते रहेंगे उनको जी। तो मैं बड़ी और जो जिसको खाना देना है, जो खाना सफाई वाली थी, मैं तो उसको मुझे भंगी कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसको ऐसे ऊपर से रोटी देते थे, वो भी मुझे बहुत बुरा लगता था। तो जो भी था मुझे ये सब छुआछार भेदभाव अच्छा नहीं लगता था, और मैं छूट गई उससे। और उस दौरान मैं तब तक मैंने
प्रोविडेंट फंड ऑफिस में नौकरी कर ली थी, हाई कोर्ट में ट्रांसलेटर की नौकरी कर ली थी, उसके बाद मैं एक कॉलेज में पंजाब में लेक्चरर थी जगराओ में, उसके बाद 77 के जो इलेक्शन हुए तब मैं पॉलिटिकल, इस सारी सारे दौरान मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं गई, लेकिन मैंने बीए की, एमए इंग्लिश की, पॉलिटिकल साइंस की, अपना एक डिप्लोमा ट्रांसलेशन का संगीत विशारद किया, एमफिल पॉलिटिकल साइंस विद डिस्टिंक्शन की, पर पढ़ने नहीं गई प्राइवेट एग्जाम से। और फिर मुझे कहा गया कि आप उस जमाने में लड़कियां कहीं, ये प्री पोल सर्वे होती है ना, उसमें लुधियाना और जलंधर मेरी, मुझे कहा गया, मेरा वहाँ सेशन पूरा हो गया लेक्चरर का, छुट्टियों का टाइम था, मैं पहली बार घर से निकली, लोगों के घर जाना, उनसे पूछा, अल्टीमेटली मुझे याद है मैंने डिसीजन लिख के दिया था अपना ओपिनियन पोल में कि ये करंट जो पार्टी थी उस टाइम ये पूरी वॉश आउट हो जाएगी एंड देर विल बी ए होल न्यू जो भी। तो वो एक मेरा वोटिंग बिहेवियर की एकेडमिक स्टडी थी। उसके बाद मुझे यूनिवर्सिटी ने ही अपने यूजीसी रिसर्च फेलो अपॉइंट कर लिया। वहीं से मुझे जम्मू कश्मीर के मशहूर पीएन हक्सर, जो मिसेस गांधी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और टीएन कॉल अम्बेसडर रहे हैं इंडिया के, उन सबने एक सेंटर, रिसर्च सेंटर बनाया हुआ था, तो उस सेंटर में मुझे रिसर्च फेलो रखा हुआ था और उसके माध्यम से मुझे पंजाब के बॉर्डर्स, हिंदुस्तान की स्टडी, ये सब करते करते डेवलपमेंट की स्टडी, रूरल डेवलपमेंट, बॉर्डर के सारे तीनों बॉर्डर्स में तीन तीन महीने में जब गुजारे, मैंने मैंने भारत को देखा और भारत का, मैंने भारत का केवल दर्शन नहीं, मैंने भारत को महसूस किया। तो मेरी आखिरी जो वहाँ असाइनमेंट थी एज ए रिसर्च फेलो वो थी हिंदू मुस्लिम दंगों पर, हो चुके थे जी। लेकिन अभी ये था कि क्या किया जाए जो आगे ना हो जी। तो उसकी टीम के लिए मैं निकली थी चंडीगढ़ से अपनी टीम के साथ और मैं इंदौर भी, उसके दौरान मैं भारत के हर जगह पर गई और मैं इंदौर पहुंची, जब तो इंदौर मैं अध्ययन कर रही थी और एक शाम की बात है जिस दिन ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था जी। उस शाम को मैं वहां के एक मुझे दो तरह के लोगों को इंटरव्यू करना था, एक पॉलिटिकल लीडर और एक सोशल जो लोग थे, सामाजिक फिलॉसफी और जो कुछ मायना रखते थे समाज में जी। तो मेरा असाइनमेंट था जी। तो बाकी लोग भी थे अपने अपने सब्जेक्ट के, तो मैंने बड़ी मुश्किल से, मैंने वहाँ अचानक कर्फ्यू लग गया, कोई रास्ता नहीं मिले, रेजिडेंसी में मैं ठहरी हुई थी जो गवर्नमेंट का होता है जी। तो मुझे एक बहाई बुजुर्ग, उनको चिंता हुई कि मैं उस जमाने में कोई फोन वान नहीं होते थे, पर मैं एक लेटर पोस्ट कार्ड लिखती थी कि मैं यहाँ इतने दिन हूँ, आपको 6 बजे के बाद, हमारा एक अलाउड नहीं है जाके लोगों को मिलना, 6 बजे के बाद कभी भी कोई बहाई कार्यक्रम हो तो मुझे आप खबर कीजिएगा, मैं आऊँगी। फोन वान कोई सिस्टम नहीं था तब, 1984 की बात है। और फिर वो लेने आ गए और वहाँ देखा तो 6 एकड़ ज़मीन है और वहाँ पुरानी किसी का फार्म हाउस था और बहाई हाउस था और वहाँ किसी की बहुत सिंपल सी फैमिली की बच्चों की शादी हो रही थी, ज़मीन पे टाट पट्टी पे दोना पत्तल में खाना खा रहे हैं। पंजाब में चंडीगढ़ में बेटी होने के कारण मुझे लंगर के अलावा जो गुरुद्वारे में होता था जी। उसके अलावा हम ज़मीन पे कभी नहीं बैठे थे। तो मैंने एक मैडम थी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की हेड, उनसे कहा ये इतनी सारी ज़मीन आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने बोला वी आर वेटिंग फॉर समबडी लाइक यू, वी वॉन्ट टू स्टार्ट एन इंस्टीट्यूट फॉर रूरल एंड ट्राइबल वुमेन, तुम आ जाओ, वी विल डू वंडर्स। मैंने उनको बोला प्रभु इच्छा अभी तो मैं इस रोल के लिए आई हूँ, पर मुझे उस दिन ऐसा लगा कि कोई कॉलिंग है। लेकिन मैंने उनको भी, मैं पोस्ट में थी, मैं अपना जॉब का काम पूरा करना था, किया मैं घर गई। थोड़े ही दिन बाद मुझे उस दौरान मुझे 3 लोगों को और इंटरव्यू किया था मैंने, 2 और लोगों को, एक ये महिला थी मैडम हुई थी, एक सुमित्रा ताई जो लोकसभा की स्पीकर रही जी, वो 8 बार एमपी बनी थी वहाँ की, उनको डिप्टी मेयर थी, उनको इंटरव्यू करना। मैं उनको इंटरव्यू किया, उन्होंने उतरी तो उन्होंने बोला सुनो तुम्हें दोबारा जाओ, ऐसी लड़कियाँ महिलाएं यहाँ नहीं है, बहुत बैकवर्डनेस है महिलाओं की, प्रभु इच्छा कह के फिर उनको
एक जमींदार थे वहां के पुराने जेपी मूवमेंट वाले, उनको इंटरव्यू किया। वो रॉयल फैमिली पुरानी में से थे, उन्होंने बड़ा चांदी के थाल में खाना वाना परोसा, खाना वाना खिलाया, सेवा, इंटरव्यू ली मेरी मैंने उनकी जी। और उन्होंने एंड पे मुझे यही क्वेश्चन पूछा, मैंने आज तक कोई लड़की यंग अपनी इस उम्र में अकेले घूमकर जगह जगह जाके नहीं देखी, यहाँ हमारे यहाँ तो लड़कियाँ निकलती नहीं बाहर, माँ बाप भी नहीं जाते, यू शुड कम टू इंडोर। तो तीसरी वो मैडम थी जी। तो ये आपको लगा कहीं ना कहीं प्रभु इच्छा ही है शायद? प्रभु इच्छा बोली और प्रभु इच्छा थी जी। पर मैं ऐसा डिसीजन लेके वहां से नहीं निकली थी। कुछ दिन बाद एक जीना सोली सुराब जी जो अटॉर्नी जनरल थे, उनकी वाइफ जी, वो बहाई काउंसलर है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, उनका मैसेज आया रात को किसी के घर पे कि जाके जनक को बोलो कल सुबह दिल्ली आके मुझे मिले, मैं बाहर जा रही हूँ। मैं रात की ट्रेन में बैठी, कालका एक्सप्रेस में सुबह पहुंची, वहां पहुंची, उनको मिली, मैं नहीं जानती थी कौन है। मिलने पर उन्होंने कहा कि इंदौर में एक आदिवासी लड़कियों का इंस्टीट्यूट शुरू करना और फंड आ गए हैं लेकिन कुछ चलाने वाला नहीं, नहीं है, हमें लगता है कि यू आर द राइट पर्सन। मैंने बोला मुझे 6 महीने का टाइम दे दिए, मेरी PhD बनी पड़ी है, तैयार है जी। इसको मैं ख़त्म कर लूँ और मेरा भाई बीमार है वो ठीक हो जाए। उन्होंने बोला ईश्वर के काम के लिए निकलते हैं, वो सब काम ठीक करता है, तुम्हारी देखभाल करेगा। और PhD की बात रही, किताबें ले जाना, वहाँ करती रहना। मेरे दिल को लगा कि कॉलिंग है, मैंने मेरे माँ बाप से बैठे बात की, मेरे माता पिता बहुत अच्छे थे और वो हर बार ये चाहते थे कि मैं खुश रहूँ। तो मैं आई, आदिवासी लड़कियों का इंस्टीट्यूट शुरू किया, खाली ज़मीन पे, दीवार नहीं, मैकेनिक नगर में, बाहर बत्तियाँ नहीं थी, पीने का पानी नहीं था, ओल्ड कुआँ था, तो सर्वेंट रूम 10x10, ये थोड़ा बड़ा है आपका, वो पुराने ज़माने की कोई 30-40 साल पुराना, उसमें रही, टॉयलेट कहीं और था, किचन कहीं और थी। और मैं चंडीगढ़ से गई थी और वहाँ कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैं कॉन्फिडेंस, ईश्वर ने मुझे जो एक शक्ति दी है मुझे उस पर बहुत भरोसा है जी। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने, मुझे कहा गया कि एक मकान किराए पे ले रहे हैं तुम्हारे रहने के लिए, तो तुम वहाँ रहना और आके यहाँ, मैंने कहा लड़कियों को अगर यहाँ आके सेंटर शुरू करना तो मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। तो वरिड से मकैनिक नगर, पीछे शराब की दुकान, ड्राइवर, ये वो 24 घंटे, उसके बीच में मुझे रहना चाहिए एकड़ जमीन पे अकेले। तो रही मैं, और इस आस्था के साथ कि ईश्वर मेरे साथ है क्योंकि मैं उसके साथ रहती हूँ और उसने बुलाया, जो भी वो बहुत कठिन था। लेकिन थोड़े ही टाइम के बाद मैंने 19 दिन में मैंने क्लास शुरू कर दी वहाँ। लेकिन मुझे झाबुआ, एक जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ट्राइबल एरिया अभी भी है जी, मैं एक बस में बैठ के वहाँ गई, ST बस बोलते थे जो स्टेट बस होती जी, तो वहाँ जाके जब भीड़ लोग हैं, मेरी बोली उनको नहीं आती, उनकी बोली मुझे नहीं आती, उनके उनको जाके बताना है कि ट्रेनिंग शुरू करेंगे लड़कियों को भेजना, वहाँ गई तो गिनी वॉर्म्स, एक नारू रोग होता है जो पानी की कंटेमिनेशन से होता जी। है 302 गांव में लाखों लोगों को ये बीमारी थी। तो वो जो वहाँ के DC थे उनको मैं मिली, क्योंकि मैं प्रोटोकॉल वगैरह समझती थी, होम मिनिस्टर के साथ काम करती थी जी। उनको लेटर दिया कि मैं यहाँ इंस्टीट्यूट शुरू कर रही हूँ, ये वो। तो देखा कि गिनी वॉर्म्स की बात निकली तो मैंने पहले ये किया जाए, तो आई वॉलंटियर 302 रात, 302 उन घरों में, 302 उन गाँव में, एक रात रोज, ना फोन, ना गाड़ी, ना टॉयलेट, टॉयलेट था ना बाथरूम था, जहाँ उनके घर पे रहती थी जिसपे नारू की बीमारी थी जी। तो वो नारू की बीमारी में मैंने, अब कोई ऐसा तरीका नहीं था पता चल जाए कि इसका इलाज क्या करना, पर थोड़ा बहुत जो समझा था ये पता था कि पानी छान के पी लेंगे तो साइक्लोप है वो तो निकल जाएगा, और दूसरा बात ये थी कि बर्तन धो के निकाल के, और ये बावड़ी से नहीं लाना, सैम पित्रोदा ने तब टेक्नोलॉजी मिशन शुरू किए थे जी। तो हैंडपम्प लगाने शुरू हुए, तो आदिवासी लोग मानते नहीं थे कि हैंडपम्प का पानी पीना है, तो उनके साथ रहकर भीली में ड्रामे, छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक कराए, उनको समझ में आई। उन लोगों ने गिनी वॉर्म 302 गाँव में 1.5 साल में ख़त्म किया, और मेरा कहीं से नाम पहुंचा
इस बात के लिए कि मैंने बिना कोई पैसे लिए 23 किलो रोज मीटर रोज पैदल चल के और रात को रोज कहीं करवा के और उस जगह सो रहा जहाँ दादा दादी हैं, बच्चे हैं, गाय है, बकरी है, मुर्गा है, सब वही है, और चटाई पे सोना है, बाथरूम टॉयलेट ये चंडीगढ़ से जाके ये सब। लेकिन मैं आपको बता नहीं सकती, सिर्फ एक ही बात जिसने मुझे रखा जी, मुझे राम जी का वनवास याद था, मुझे सारे सारे पुराने इतिहास जो लोगों ने काम किए थे इंस्पायर करते थे, तो मैंने वहाँ मेरा नाम गया, मुझे ग्लोबल 500 रोल ऑफ ऑनर के लिए इंस्टीट्यूट के नाम के लिए बुलाया गया, ब्राज़ील सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्थ समिट। तो मैंने समझा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है ये, तो बोले कि जब हम प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल ऐसा करेंगे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बचे रहे, तो अब मैंने क्वेश्चन करना शुरू किया आके कि है क्या हमारे पास संसाधन, कितने, तो पता चला पानी उतना नहीं है, 92 में पंजाब में कैंसर ट्रेन चली गई, धरती केमिकल है, आकाश प्रदूषित है, राम तेरी गंगा मैली हो गई थी, तो ये जब ये हालत है तो आने वाली पीढ़ियों को क्या देंगे। तो मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और आगे फर्दर नाम दिया उसका, विश्व का कल्याण करना होगा by thinking globally and acting locally starting with bison, और समस्त प्राणियों के साथ सद्भावना से रहना होगा starting with myself। तो ये मैं लेके आ गई और मैंने ये रहना शुरू किया, उस कैंपस को ऐसा बनाया। मेरे हस्बैंड कुछ साल के बाद हमारी शादी हुई, वो उन्होंने उसको जीरो वेस्ट कैंपस, उस कैंपस में अपना उगा के खाना नेचुरल, सारा कुछ नेचुरल, और पहला सोलर किचन बनाया जिसमें 900 किलो लकड़ी और 9 गैस सिलेंडर एक महीने में बचते 100 लड़कियों का खाना बनाने के लिए। फिर लड़कियां सोलर कुकर सीख के अपने अपने गांव में, जैसे आपके यहाँ बालटाक में लगे छोटे वाले कुकर, लड़कियों ने उस कुकर से जाके अपने घर में खाना बनाना शुरू किया, कुछ बेचना शुरू किया, उनके जीवन बदल गए। तो सबसे पहली बात जब लड़कियों के 10 साल के बाद पता की आदिवासी महिलाओं को क्या फ़ायदा हुआ सोलर कुकर का, उन्होंने बोला हमारी इज्जत बच गई। सबसे ज्यादा बलात्कार तब होते जब हम जंगल जा रहे और जंगल दूर हो रहे, तो मेरी जिंदगी में मेरे रोंगटे खड़े हो गए 10 साल के बाद अपने काम का परिणाम देख के कि सोलर कुकर का औरत की इज्जत के साथ क्या रिश्ता है। फिर उन्होंने बताया ढेर लकड़ी लेके चलते हैं जब सिर पे 4-4 दिन वापस जाने के लिए, बच्चा मिस कैरेज हो जाती है, बच्चा गिर जाता है प्रेगनेंसी में, तो ये करने के बाद धुएं में खाना बनाना, मैं जो 300 दिन रात उनके साथ रही तो खाना धुएं में बनता था। तो मैंने ये प्रॉब्लम समझी कि धुआं है, वो लाइट नहीं है, तो सोलर लाइट, सोलर कुकर, सोलर किचन पहले हमें अपना बनाया, उसको देख देख के लड़कियां को विश्वास हुआ, उनके माँ बाप को विश्वास हुआ। 10 साल के बाद पता चला कि लड़कियों के अपने पैसे कमाने लग गए, चाय की दुकान खोल ली, उनको पानी उबाल के पीने लग गए, वो हर लड़की एक सस्टेनेबल लड़की बने, तो थिंकिंग ग्लोबली एंड एक्टिंग लोकली करने लगी, वो पढ़ना लिखना सीख के गई, हाथ का कुछ कारीगरी सीख के गई, वो ऑर्गेनिक खेती सीख के गई, वो सोलर ड्राइंग सीख के गई, और वो दारू पीने वाले से शादी नहीं करेंगे, मारने वाले से शादी नहीं करेंगे, और बच्चों को पढ़ाएंगे। मैंने और मेरे हस्बैंड ने तय किया था कुकिंग इन स्मोकी किचन्स इज अ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये हमारा प्रण था। समझ लीजिए कि मैं अपने जीवन में अपने आप को महाराणा प्रताप के साथ क्षत्रियों की बेटी होने के लिए अपने आप को ऐसा समझती थी कि कुकिंग इन स्मोकी किचन, नो मोर कुकिंग इन स्मोकी किचन। तो वो ईश्वर ने शक्ति दी, लोग मिले, वो काम शुरू हुए, हमने किए 500 गांव की 6000 लड़कियां वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एम्बेसडर, और शांति प्रेम सद्भावना बढ़ाना वो जीवन जीने लगी, और हमारे पास पॉजिटिव लोग आने लगे, हम आपकी संस्था के लिए क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते, अवार्ड रिवार्ड सब होने लगे। उसके बाद एक दिन हमने सोचा, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, अभी 26 साल हो गए संस्था को छोड़े, बहुत त्याग मूर्ति लोगों ने संस्थाएं बनाई, जब वो मरे तो संस्था भी मर गई जी।
तो संस्था सस्टेन कर ही रहे तो किसी को तैयार करके छोड़ के निकला है। तो वो नॉर्दर्न आयरलैंड में घर था उनका जी। वो हैम रेडियो थे, अपना रेडियो स्टेशन था, लैंड रिक्लेमेशन ड्रेनेज कॉन्ट्रैक्टर थे, और मेरा भी चंडीगढ़ में घर था। तो दोनों ने कहा कि नहीं, अब चंडीगढ़ जाके क्या करेंगे, अभी जो 26 साल सीखा है, लड़कियों को बोलते थे जाके वो करना जो सीखा है, अब हम खुद ये अपनी प्रैक्टिस करेंगे। तो इंदौर से कुछ स्टेशन से गिरे गए तो 20-25 किलोमीटर दूर एक गांव में आधा एकड़ ज़मीन ली, मेरे हस्बैंड ने वहाँ खुद अपने हाथ से एक घर बनाया, जिस घर में दिन में कोई बिजली या एनर्जी यूज़ नहीं होती, सब कुछ। पहले उन्होंने एक सोलर विंड पावर स्टेशन बनाया, वहाँ बिजली नहीं थी, आदिवासी लोग 50 परिवार थे जी। तो उस बिजली से वो घर तो इतना सुंदर बनाया, एक टेकरी पर बनाया, पथरीली टेकरी थी। लेकिन उस घर में आने से पहले हमारा दोनों का एक एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में ड्राइवर की आँख लगी, जो भी हुआ 17 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई 2011 में ही। तो उसके बाद मैं अकेली, लेकिन मेरी एक पुरानी स्टूडेंट थी जिसने कहा कि हम आपके साथ ही रहेंगे, तो वो मैंने जाके वहाँ रहना शुरू किया और कहा ठीक है, अब मुझे पहले अपने आप को सस्टेन करना है। अब मैं उसको पूरा किया, पेड़ पौधे वहाँ, तो अभी कुल मिला के वहाँ पर मेरे को 13वां साल है और सोलर विंड पावर को 13 साल हो गए। आदिवासी 50 परिवारों को फ्री स्ट्रीट लाइट मेरे घर से जाती है और मुझे उनके बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं, और वो बच्चे अभी उसकी मिसाल हैं कि वो बच्चे कैसे बच्चे बनेंगे, कि दारू नहीं पिएंगे, गुटखा नहीं खाएंगे, तालाब साफ रखेंगे, पौधे लगाएंगे, आदिवासी बच्चे वो हमारे बच्चे हो गए। क्योंकि मैंने, मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया था अपने बच्चे नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी, मैं उनकी माँ थी जी, जिनके साथ काम कर रही थी 3 साल से। तो बड़े खुश थे हम लोग, और फिर ये उस घर को ऐसा बनाया कि आज वहाँ आधा एकड़ ज़मीन पर फूट एक गाय बछड़ी पाल के, गाय उसके उसका पूरा उसी के गोबर से, वो सारी ज़मीन नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, देसी बीजों का सारा कुछ, खाने पीने को बाजार से नमक आदि, ऑर्गेनिक किसानों से गुड़ और चाय पत्ती, बाजार से इसके अलावा कुछ नहीं, वही दालें, वही मसाले, वही खाने का सामान, सब खाने पीने का आत्मनिर्भर जीवन। मैं वज्रदंती से सुबह दांत साफ करती हूँ, एलोवेरा मेरी बाथ जेल और नहाती हूँ, रीठे से मेरे कपड़े धोते हैं, मेरी क्रॉकरी और ये बर्तन स्टील के बर्तन गाय के कंधे की राख से धुलते हैं, और मेरे पास सब जड़ी बूटियाँ हैं जो चाहिए बीमारी में, और हड्डी जोड़ है सब चीज़, अभी रिमेटिक अर्थराइटस, एले क्या बोलते हैं इंसुलिन, तुलसी, लेमन ग्रास, ये तो सब आम चीज़ें हैं, पर सब कुछ, सब फल, पक्षी, पेड़ पौधे, कुत्ता देसी सब। और मेरे गांव में बछड़े को मार देते थे, बताते नहीं थे, पर उसको माँ के दूध से हटा के मैंने प्रण किया कि मेरी गाय अगर शिव के भक्त है तो आप नंदी को कैसे मार सकते हैं। सही बात। तो बछड़ा बचाओ, मैंने किसी को नहीं कहा, मैंने एवरीथिंग आई सेड स्टार्टिंग विद माई सेल्फ, मैं करूँगी। तो मेरी गाय के 6 बछड़े पालकर बड़े करके उन गांव में भिजवाए गिफ्ट, जो खरीद दे सकते थे बैलगाड़ी वाले, तो वो बछड़े अब बैलगाड़ियाँ चला रहे हैं, और मेरी गाय ने जो और गाय के बछड़ी बच्चे उनके दो दो परिवार वो भी ऐसे लोगों को दिए जिनको चाहिए थे। और मेरे जीवन में समस्त प्राणियों का मतलब धरती माँ में जहर नहीं डाला है, गाय माता है, पशु पक्षी है, सबके लिए फल है जी। अपनी चॉइस से चमगादड़ खाता है, अपनी चॉइस से गिलहरी खाती है, अपनी चॉइस से पक्षी खाते हैं जो उनको अच्छा लगता है। तो मेरे जीवन में मेरे खाने के लिए, समस्त प्राणियों के लिए सब कुछ है वहाँ। मैं किसी से फंड नहीं लेती, कोई प्रोजेक्ट नहीं लेती, मेरे जीवन में कचरा दान नहीं है मेरे घर में, क्योंकि मैं शॉपिंग नहीं करती। अभी 39वां साल है, मैंने कभी कपड़े नहीं खरीदे, ख़त्म ही नहीं होते इतने सारे हैं। पंजाब की हूँ, माँ बाप, भतीजे, बहन, सब मानते नहीं, उनको लगता है कि नहीं मेरे
राखी का है, कुछ भी बहाने से, जितने साल की होती है उतने पेड़ लगाती हूँ। रक्षाबंधन पे कोई गिफ्ट है, कहीं भी गिफ्ट देना लेना पौधा। और इंदौर की 6 बार स्वच्छतम बनाने के लिए 1,70,000 बच्चे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी IIT सब 13 साल में डेली आधा दिन मेरे साथ। सोलर कुकर्स हैं 13 प्रकार के, एक सोलर किचन है जैसे आपने यहाँ देखी। मोदी जी ने कहा जो अपनी LPG सब छोड़ दो, सब्सिडी जो छोड़ सकते हैं, मैंने सबसे पहले छोड़ी, मेरे पास सोलर कुकर है। फिर भी एमरजेंसी के लिए अपना गैस सिलेंडर 2 साल 5 महीने तक चलता मेरा एक, तो मेरा मतलब ज़्यादा मेरी ज़िंदगी जो है इतनी आसान है। मेरे पास सूर्य देव देते हैं, धरती माँ देती है, पवन पुत्र देते हैं, और मुझे मेरे इतने बच्चे और इतने पेड़, इतने पक्षी, हर जीव प्रसन्न है। मुझे लगता है मैं दुनिया की सबसे दौलतमंद महिला हूँ और सबसे खुश नसीब महिला हूँ। ओपन हार्ट सर्जरी से बची, 4 सर्जरी कैंसर की हुई बची, एक्सीडेंट से बची, छोटा मोटा कोरोना भी हुआ, सब मिला के एक ही बात समझ आई है, हमें ये नहीं पता, चॉइस नहीं है कि मरेंगे कैसे, और एक चॉइस है जीना कैसे। मैं जी रही हूँ, 0 वेस्ट लाइफ, मैंने लाइफ वेस्ट नहीं की है, मुझे पता चल गया लाइफ लाइफ का मकसद क्या है, और मैं वही कर रही हूँ। इंदौर को 6 बार क्लीनेस्ट सिटी बनाने में मैं उसकी ब्रांड एम्बेसडर, मेरा सौभाग्य था। तो अब मेरा बस, मेरे को जीवन में मैं सोचती हूँ मैं बहुत खुश हूँ, और सब यही कहती हूँ कि हम भारत माता की जय, धरती माता की जय, गौ माता की जय, ये बोलने से नहीं होगी, करने से होगी। ठीक दीदी, ये चेंज जो लानी है समाज में या सोसाइटी में, ये चेंज लाना आसान नहीं होता। जब आपने चेंज लाने की सोची तो एप्रिसिएशन कहीं से शुरुआत में मिला या शुरू से एप्रिसिएशन ही मिला, क्योंकि मुझे लगता है जब हम उपदेश देते हैं तो हमारा लेवल ऊपर नीचे का होता है। जब हम लोगों के बीच में हैं, मुझे तो शहर में जानक दीदी, सोलर नानी, सोलर दादी, हम लोग दीदी जीजाजी थे, इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मैनेजर पेपर पर थे, हम लोगों के बीच के लोग थे जी। तो मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ अप्रिसिएशन ही मिली है लाइफ में, मुझे जिंदा रखा है। मैं अपना घर छोड़ के चंडीगढ़ से आई, मेरे माँ बाप, मेरे ब्रिटिश ससुराल वाले लोग जी। पूरे विश्व में फेसबुक पे 4.5 घंटे के बाद उधर से, मायके से, ससुराल से, समाज से, गांव से, आज वो काम उस गांव में जहाँ आदमी लोग शिव की पालकी, महाकाल की पालकी उठाते थे, आज मेरे ले जाके मेरे से शुरू करवाते हैं वो पालकी उठाओ दीदी जी। तो जो ठीक है दीदी, मैं ये बात तो आपने बता दी कि आपने किस तरह से बदलाव लाया, और पहले खुद आपने वो बदलाव अपने जीवन में लाया, उसके बाद आपने लोगों को करके दिखाया। और आपके लिए तो ये सभी लोग कहते हैं कि दीदी पहले खुद करती हैं फिर कहती हैं, हम लोग तो पहले कहते हैं फिर करते हैं, हम ये कहते हैं कि हम वो कर देंगे, लेकिन आप करके दिखाती हैं फिर बात करती हैं। दीदी आपसे और भी बात यहाँ करेंगे, यहाँ हम रुकते हैं एक शिव भजन के लिए, शिव भजन के बाद बात को आगे बढ़ाएंगे हम दीदी के साथ। विनाश कैलाश पे निवास, डमरू वाला वो संन्यास भोलेनाथ जी, जो फिरता मारा मारा उसको जीता वो सहारा, तीन लोक का वो स्वामी भोलेनाथ जी, रख दे सर पे जिसके हाथ दुनिया चलती उसके साथ, ऐसा खेल है खिलाता मेरा नाथ जी। उसको रोशनी मिले, केदार विश्वनाथ मुझ पर
हाथ ले तू थाम, बाबा ले जा अपने धाम, इस दुनिया से बचा ले मुझको शंभुनाथ जी। ये दुनिया है भिखारी पैसे की मारी मारी, मेरा तू ही है सहारा मेरे भोलेनाथ जी। मेरा हाथ ले तू थाम, बाबा ले जा अपने धाम, इस दुनिया से बचा ले मुझको शंभुनाथ जी। विशेष प्रसारण है जो हम अमरनाथ यात्रा 2023 के हवाले से लेकर आते हैं, और आज के इस खास कार्यक्रम में इस वक्त स्टूडियो में हमारे तशरीफ फरमा है पद्मश्री जनक पाल्टा। और इनका सिर्फ जनक पाल्टा जो है वो नाम इनका अपने मैके से आया था, और मैगलियन इन्हें नाम मिला था अपने जिमी साहब से। जी हाँ, तो ये बैठी है हमारे आज स्टूडियो में, इनसे हम बात कर रहे हैं, और इन्हें हम दीदी के नाम से ही बुलाते हैं, क्योंकि इन्हें हम दीदी के नाम से बुलाते हैं तो बहुत अपनापन सा लगता है, इसीलिए हम इन्हें दीदी के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बहुत काम कर रही है। ये चाहती है कि ये प्रकृति बची रहे आने वाली नस्लों के लिए, आने वाले बच्चों के लिए, कुछ तो ऐसा करें कि उनके लिए बचा के रखें हम ये सब कुछ, तो उसी हवाले से हम बात कर रहे हैं। और ये स्वाहा की मेंटर भी है। दीदी, आपने इतना सारा काम कर लिया, 75 साल जिंदगी के गुजार लिए, लोगों की सेवा की, और बहुत छोटी उम्र में आपको ये समझ आ गया था कि करना क्या है जिंदगी में। आप कश्मीर आई हैं, और इतने दूर कश्मीर के इस दूर दराज इलाके बालतल में आज आप हैं, यहाँ क्यों? यहाँ मैं इसीलिए आई हूँ कि बाबा ने बुलाया है। और मुझे वैसे तो ऑफिशियली IIT जम्मू ने इन्वाइट किया था जी, पिछले महीने में IIT मंडी में यहाँ के डायरेक्टर मिले थे, उन्होंने मेरा प्रेजेंटेशन देखा था, तो उन्होंने उसी टाइम मेरे मुझे इनविटेशन दिया, और तब से पीछे लग गए, तो डेट फिक्स कर ली। IIT के 4 साल के बच्चे जो एडमिशन में आए हैं, कल उनके पहले दिन के प्रोग्राम में मुझे इंस्पिरेशनल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर अपनी उनको ज़रा शेयर करने के लिए जर्नी जी। उस जर्नी में भी बाल्टा इंक्लूडेड था जी। और जो आपके यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो उसके चीफ गेस्ट थे। कल मैंने उनको जब उन्हीं का फोटो दिखाया बालटाल का जी, कि मैं ये हमारे इंदौर वाले बच्चे हैं, और वो इतने खुश हुए, तो मैं ऐसा लग रहा था कि उनको मिलने के बाद कि अब बालटाल में हूँ। तो समीर शर्मा एक बहाई बच्चा है जी। उसका मेरा रिश्ता करीब 35 साल से है। मैं
काफ़ी सारा जीवन में मेरा बच्चों के साथ हमेशा बहुत प्यार रहा है, बूढ़ों के साथ अलग किस्म का रहा, सबके साथ अलग अलग। तो समीर आईटी का आईटी में चला गया, उसका काफ़ी नाम किया उसने, उसने एक इंदौर वाले ग्रुप बनाया और उसको शुरू से वो बड़ी प्योर सोल और बड़ा प्योर हार्टेड बंदा और वो मददगार और सच्चा सुच्चा सीधी सीधी बात करना, ज़्यादा घुमाओ और ज़्यादा फैंसी बात नहीं करना और ज़्यादा मॉडर्न कोई भी खराब आदत नहीं थी उसको जी। जैसे आजकल के यूथ्स हैं है ना, उनका सब चीज़ों में इंटरेस्ट रहता है, जो भी आजकल की मॉडर्न चीज़ें हैं, नाइट कल्चर है, ड्रिंकिंग है, पार्टी कल्चर है सब। इसके अलावा उसका ध्यान रहा है कि सेवा काम, तो सेवा काम में उसकी माँ क्योंकि बाल विनय मंदिर की एक टीचर जिसने उसको पढ़ाया और उनको एक अच्छे संस्कार दिए, एक अच्छा बच्चा था। और समीर को मैं जानती थी लेकिन मैं वहाँ अपने जहाँ रहती हूँ वहाँ साल में एनवायरनमेंट वीक पे एक सप्ताह करती हूँ जिसमें एक दिन पानी पे बात होती है, एक दिन वेस्ट पे बात होती है, एक दिन पेड़ लगाने पे होती है, एक दिन सोलर थर्मल कुकर से और ऑर्गेनिक खेती पे जी। तो ये सब पे बात होती है। तो वो सिर्फ फेसबुक पर लिखती हूँ, मेरा कोई प्रोफेशन तो है नहीं है। तो आईआईटी इंदौर के दो स्टूडेंट्स तीन वो भी उसमें आए अटेंड करने के लिए, साइन किया उन्होंने कि हम भी आएंगे। तो वेस्ट मैनेजमेंट में उनको समझ में आया, उन्होंने एक स्वाहा नाम की एक गाड़ी बनाई गीले कचरे को खाद बना के देने का, तो बना लिए उन्होंने। लेकिन इंस्पायर होके उस प्रोग्राम से मेरा ये कहना है कि आप ये सिटी और स्मार्ट और इस चक्कर में नहीं, कुछ जो हमारी सस्टेनेबिलिटी है जिसमें हमारी धरती, हमारा आकाश, हमारा मिट्टी और लोगों का खान पान, रहन सहन, जहर मुक्त, प्रदूषण मुक्त जीवन कैसे हो जी। तो उसमें उन लड़कों ने ये बना तो ली पर उनको इसका चलाने का, कंपनी भी बना ली पर उनको चलाने का नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि हमारा अनफॉर्चुनेटली एकेडमिक इवन आईआईटीज में भी सीख लिया लेकिन बना लिया कुछ बहुत बड़ा काम किया। फिर इंदौर के स्वच्छता में उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल किया, उनको जोड़ा उसके साथ। तो वो सारे इंदौर के टाउनशिप में से गीला कचरा उठा के खाद बना के देने लगे और उनका काफ़ी अच्छा पॉजिटिव नाम हुआ। इनोवेटिव हैं वो बच्चे बहुत। और समीर एक ऐसा बंदा था जिसको मैनेजमेंट की उसकी बहुत पावर थी, उसके अंदर एक स्पिरिचुअली मोटिवेटेड पर्सन है, इनोवेटिव भी है, पब्लिक रिलेशन भी समझता है और सबको साथ में लेके चलना भी समझता। मुझे लगता है ये सारी स्किल्स और सारे सद्गुण, कुछ भी स्किल्स हमारे जीवन में तब तक इम्पोर्टेंट नहीं है अगर हम सद्गुणी नहीं हैं और हमारा अगर आत्मा में शुद्धता नहीं है। तो वो सारा होने के साथ फिर ये लोगों को यहाँ का पता चला, अमरनाथ यात्रा का टेंडर भरा, पिछले साल आए। तो पिछले साल तो मैं नहीं आ सकी थी लेकिन बहुत हम लोग इंदौर वाले एक ग्रुप है जो समीर ने बनाया हुआ है उसमें रोज आता था और मैं उसको लोगों तक प्रसारित करती थी। मैं भी बहुत प्राइड लेती हूँ कि ये स्वाहा, और फिर ये कश्मीर के जो बच्चे हैं इनको श्रीनगर में आके मैं पहली बार मिली हूँ। तो हम लोग तो चंडीगढ़ में थे बचपन से, साइकिल पे कश्मीरी लड़के शॉल लेके आते, बाकी टाइम पर जब यहाँ ठंड होती थी तो वहाँ सामान, तो हमें बहुत प्यारे प्यारे लोग लगते थे और बहुत मेहनती लगते थे। पर यहाँ आके जो मैं बालटाल में आई, अब मैंने आके ये देखा सस्टेनेबल लंगर जी, जीरो वेस्ट। तो यहाँ इंदौर से कितने लोग आके काम कर रहे हैं, उज्जैन से कितने लोग काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आके एक वो विविधता में एकता वाला भारत जी, जो मैंने देखा है, मुझे लगता है लोग कितनी कश्मीर हिंदू मुस्लिम ये सारा पाकिस्तान हिंदुस्तान इतनी बात करते हैं लेकिन यहाँ आके मुझे लगता है कि शिव ही सत्य है और सत्य सुंदरम है और कश्मीर सुंदरम है, कश्मीर सत्य है और भारत का
भारत का क्राउन है कश्मीर, और कश्मीर के लोग और जो मेहनत और जो जो विश्वास, मैंने सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ आके इस इतने लोगों के बीच में कल से मैंने आके देखा है, भरोसा कर इतना है सबका एक दूसरे पे, प्रेम कितना है, और लंगर की भावना और लंगर को भी सोलर थर्मल कुकर से, बायोगैस से, बायो मास से, और यहाँ की रूरल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री जो मैडम मनदीप कौर हैं और जो बाकी ऑफिसर्स हैं, ये मैं समझती हूँ कि जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन लोगों को पहचाना। तो पहली बात तो ये है कि सही बंदों का एक पारखी है, शायद कश्मीर की मिट्टी में वो पारखी होना भी कहीं लिखा है। इन्होंने परखा पिछले साल, इन्होंने करके दिखाया जीरो वेस्ट। आज अभी सस्टेनेबल लंगर क्या होता है जिसमें कचरा पैदा नहीं कर रहे, और जीरो वेस्ट अभी जाके मैं देख के आई हूँ कहाँ सारा कुछ इकट्ठा, किसी भी नदी में इन्होंने प्लास्टिक नहीं जाने दिया, इन्होंने खाना जूठा, बचे हुए कद्दू, बचा हुआ चीज़ें सबको शेड करके खाद बना के दे रहे, कोई भी चीज़, और गत्ता गत्ते वाले के पास चला जाएगा जो काम मिलेगा, प्लास्टिक उसके पास चली जाएगी जो रिसाइकिल करके कुछ बनाए, लेकिन इतना सिस्टमैटिक जी। मुझे गर्व है, जितना इंदौर पे गर्व है, जितना उज्जैन पे गर्व है, जितना भारत पे गर्व है, पर कश्मीर सच में, लोग कश्मीर की वादियाँ, फिल्में, यहाँ के नज़ारे उसकी बात कर रहे थे, लेकिन अब मैंने यहाँ आके कश्मीर की आत्मा को महसूस किया है। और कश्मीर में अगर इस तरह की सोच लोगों ने करी, और ये सेब और आपका आपके बाकी जो अखरोट हैं और आपके जो बादाम हैं, आपका जो पीचेस हैं क्या बोलते हैं उसको, पीचेस को एप्रिकॉट और एप्रिकॉट है, पीचेस हैं, पेयर है जी। इनको अब जरूरत है कि जमीन को ऑर्गेनिक किया जाए क्योंकि ऊपर से सब ठीक कर देंगे कचरा, धरती में जहर डालते जाएंगे तो ये सस्टेनेबल फ्यूचर नहीं बनेगा जी। हम गंदगी साफ कर रहे हैं, गंदगी संभाल रहे हैं, उसको पैक करके किसी और शेप में भेज रहे हैं, पर हमें ये जमीन से, और यहाँ का जो अभी ग्लेशियर अभी भी कुछ बचे हैं जी। और यहाँ की जो चिनाव है, यहाँ की जो तवी है, सिंधु है, मुझे लगता है कि इनको अगर अपने को वापस वो बनाना है, और वापस भारत कभी भी कश्मीर के बिना दुनिया का विश्वगुरु नहीं बन पाएगा। कश्मीर को ऑर्गेनिक करके आप कश्मीर के हर फल, कश्मीर की हर नस्ल, आपके यहाँ डायबिटिक होने लगा, आपके यहाँ हाइपरटेंशन बढ़ने लगा, आपके यहाँ हार्ट अटैक होने लगा, ये सब ठीक हो जाएगा। कश्मीर ठीक होगा तो विश्व ठीक होगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी आज का, आप यहाँ अपना कीमती समय आपने हमें दिया, हमारे श्रोताओं तक ये आवाज़ पहुँचाई कि हम किस तरह से ये जो सस्टेनेबिलिटी की बात हम करते हैं, इसको कैसे डेवलप किया जा सकता है, और कैसे हम खुद से शुरुआत कर सकते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है किसी और को समझाने की, अगर हम खुद से शुरुआत करें, लोग देखेंगे, वो देखकर समझेंगे और शायद आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी यहाँ आने के लिए।